सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्री गुरु जी की सुंदर सूरत शोभदी है, मूर्ति सारी मिठास नाल पूरत है, पंगूड़े नू रेशम दी डोरी बनी है, अगे खलोता सेवक डोर नू खिच के पंगूड़े नू चला रहा है। हौली हौली आनंद नाल उत्साहित हो के अंग उच्चे करदे हन, मानो युद्ध करन लई विस्तार सहित उत्साह जताउंदे हन। दोवें सुंदर चरण मानो कमल दे फुल हन, जेड़े अपने सारे सेवकां लई आनंद दे दाते हन। चरणां दीआं छोटियां छोटियां उंगलां कोमल लाल अते एक सार शोभ रहीआं हन। कछू कुम्मे दी पेठवां दोवां चरणां दे विच उच्चियां कोमल अड्डियां हन। गेटियां दा छोटा जिहा आकार है, मसलियां वालियां जंगां कद दे अनुसार सज रहीआं हन। उपर नूं उछलण नाल पैरां दीआं झांजरां इस तरह खड़कदीआं हन, मानो इन्हां दी छब नाल मिली हुई है। मानो ध्यान धर के महात्म दा उच्चारण करदीआं हन ते वड्डी तों वड्डी विपता नूं दूर करदीआं हन। तन ते सूखम जामा पहनदे हन ते गल विच शेर दीआं नौंदरां सोने विच मढ़ के पाउंदे हन। मोढे उच्चे हन, लम्मियां बाहां हन, जिन्हां उत्ते सोने दे कड़े शोभदे हन। गुरु साहिब जी दे अजीब तौर तरीके वेख के दास बड़े अदब नाल रहिंदे हन। जिस वल भी वेख के बोलदे हन उह हथ जोड़ के उसे वेले खलो जांदा है। किहड़ा किसे विधी नाल उल्टी गल कर सकदा है, सारे गुरु जी दा रुख वेख के आग्या अनुसार रहिंदे हन। सेवक सेवा करदे डर धारण करदे हन। गुरु जी दा अत्यंत उच्चा प्रताप है, मोढे उच्चे हन, बाहां लम्मियां हन, जिन्हां उत्ते मजबूत सोने दे कंगन पाए हन, जिन्हां नूं हीरे जड़े होए हन। कदी छेती छेती रिड़दे हन ते कदी हौली हौली धीरे नाल रिड़दे हन। माता गुजरी जी वड्डे भागां वाले हन, जिहड़े अपने हत्थां नाल खाण पीण करवाउंदे हन। अपने सपुत्र दी महान उच्चता वेख के मुख दा तेज सुभावक ही चमक उठदा सी। इस तरह कई दिन बतीत होए, पैरां विच फिर जोर भर गया, किसे आसरे तो बगैर खड़े होण लगे ते अपने अगे कोई चीज़ धरी होई चाहुंदे सन। इस तरह जाण के तरखाण ने इनाम पाउण वास्ते एक सुंदर गडीरा घड़ के बनाया। वंदना करके उसने गडीरा अर्पण किया ते तुरंत गुरु जी का मनोरथ पूरा किया। गडीरे उत्ते हथ धर के हौली हौली चरणां नूं उठाउण लगे, बड़े सुंदर ढंग नाल मुख तों जद मुस्कुराउंदे सन तां दंद इस तरह शोभदे सन मानो अमृत विच लपेटे होण। सिखां दे मन रूप भौरे जिथे वसदे हन, जिन्हां नूं वेख के पाप नाश हुंदे हन, खुशियां नाल लभाउंदे हन ते दास ज्ञान लैण वास्ते संग नहीं छड्डदे हन। दोवां पैरां ते बैठदे हन, रूप दी अनुपम छब नूं कौण वर्णन कर सकदा है। जिहड़े उहनां दे दर्शन करदे हन उहनां दे सारे पाप नाश हो जांदे हन। कोई कोई बचन बोलण लगे हन, अमोल छब है, मिठे ते रसदायक परम प्यारे तोतले बचन बोलदे हन। बाणियां ते धनवान लोकां दीआं अनेक पत्नियां आउंदियां हन, उह श्रेष्ठ इस्त्रियां बाल गुरु जी नूं विशाल प्रेम दे नाल दुलारदियां हन। जैसी भी कोई कामना धार के गुरु घर विच आउंदा सी तैसे ही बार बार ख्याल करके बुलाउंदे हन। किसे नूं उतावले हो के बोल के निहाल कर दिंदे सन ते किसे नूं इधर उधर चल के टाल दिंदे सन। शहर दे लोग महाराज जी दी करामात दे साज नूं वेख के प्रसन्न हुंदे हन। हिंद दी लाज नूं रखणगे, दुष्ट राज दा नाश करनगे, सीस उत्ते ताज झूलेगा ते सारे पखंडां नूं दूर करनगे। किसे दा शरीर रोगी है, कोई जीवन सुख नाल नहीं भोग रहा, जिहड़ा भी योग वार मंगदा है उस दे सोग नूं खत्म कर दिंदे हन, किरपा कर दिंदे हन, हस के बोलदे हन, मानो आनंद बाहर कढ़दे हन। अनुपम ढंग दे उहनां दे अजिहे चरित्र हन। कोई इस्त्री पुत्र चाहुंदी है, कोई सुख चाहुंदी है, कोई धन चाहुंदी है, कोई बीमारी दूर करवाउंदी है, कोई ब्राह्मणी आउंदी है, कोई खतराणी आउंदी है, कोई वैश्य इस्त्री आ के दर्शन करदी है, कोई शूद्र इस्त्री बड़े चाव मां नाल आउंदी है। हिंदू इस्त्रियां दी बहुत श्रद्धा वधी है। किते किते गुरु जी दे प्रेमी तुरक भी गुरु प्रेम निभाउंदे हन, हथ जोड़ के दर्शन करदे हन,
ते श्री गुरु तेग बहादुर जी दे सपुत्र दी शलाघा करदे हन। ज्ञान दे खजाने भाव बालक गुरु जी मुस्कुरा के ओह बचन बोल दिंदे हन जिवें सेवक कामना धार के आउंदे हन। किरपालू गुरु जी दे मामा जी किरपाल चंद जी गुरु जी दे कोल आके बैठदे हन ते रबाबी रागां विच शब्दां दा गायन करदे हन। संगतां अनेकां उपहार लिया लिया के चरणा वाले स्थान ते अर्पण करदियां हन ते उस तों मगरों अरदास हुंदी है। एक दिन बाल गुरु गोबिंद राय जी बालकां नूं नाल लै के माता जी दी आग्या पा के बहुत प्रसन्न होए। मामा जी नाल मिल के ये उन्हां ने विचार बनाई, श्रेष्ठ नदी गंगा दे किनारे चलीए ते जल नूं वेखिए। मनोहर गुरु जी अपने घर तों बाहर निकले ते मंगतियां दीआं कामनावां पूरदे होए जा रहे सन। मुख तों सुंदर बचन बोलदे सन जिवें फुल किरदे हन ते सारे सुन के प्रसन्न हुंदे हन। गली विच बहुत बालक सन, उन्हां नाल खेडदे जांदे बहुत शोभ रहे सन। वेख के सवेर जां होर मनुख प्रभाव ग्रहण करके सिर निवाउंदे सन। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे सपुत्तर वंदना योग हन, जिहड़े दुखां नूं दूर करन वाले हन। जे कोई सुभावक भी वचन कर दिंदे हन तां ओह पूरा हो जांदा है ते रंक नूं राजा बना दिंदे हन ते हाथी तों कीड़ा ते कीड़े तों हाथी बना दिंदे हन। चले जा रहे सन कि कई नदियां समेत वगदी गंगा नदी का किनारा आ गया। गंगा बहुत नदियां मिल के वड्डा दरिया बनया है। वह गुरु जी के आन बारे समझ के उछाले मारन लग गई। दरिया के किनारे जाके बेड़ी ते बैठ गए ते मामा किरपाल जी नाल इधर उधर वेखते सन। नदी का जल उन्होंने चरण कमलों नूं छूना चाहता सी पर चरण छूने कठिन हैं क्योंकि चरण बहुत उच्चे हैं। पानी उछलता है पर फिर सारे पापां दा नाश करन वाले पूजनिक ते प्रकाश रूप गुरु जी दे चरणा नूं नहीं लगता है। मामा जी गोद विच चुके प्रसन्न हो रहे सन ते जल वेख के उन्होंने चतुराई कीती। दोवां चरण कमलों नूं तद बेड़ी दे किनारे करके लत्तां नूं थले लमका दिता। वरुण देवता शरीर धार के चरणा नूं लै के प्रसन्नता धार के धोण लगा। अनेकां पापां दे दूर करन वाले ये सारे मंगलां दे करन वाले हन। वरुण देवता होर किसे नूं दिखाई नहीं सी दिंदा, एक श्री गुरु जी वेख रहे सन। फिर वरुण देवता चरण धो के जल विच ही समा गया। साध संगत जी, संगत विचों कई जन ये शंका करदे हन कि यह देवी देवतां दा नाम कित्थों आ रहा है। साध संगत जी, गुरु जी अते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं है। जिस तरह परमात्मा नूं सारे देवी देवते पूजदे हन, इस तरह गुरु जी नूं भी सारे देवी देवते पूजदे हन ते नमस्कार करदे हन। इस लई कई जगह ते इस तरह दा जिक्र कथा दे विच आ जांदा है। गुरु जी कोई आम इंसान तां है नहीं, सृष्टि दे मालक हन। जिस मनुख दे हिरदे विच शब्दा है उही इह गल्लां नूं समझ सकदा है। गरीब मलाह नूं बहुत दान दिता ते बचन कह के उस पासों बेड़ी चलवाई। बेड़ी बड़े डूंघे पानी विच फिर रही सी, फिर वेग दे नाल बहुत तेज भजवाई। कदी बेड़ी नूं परे लै जांदे सन, कदी छेती नाल उरले पासे लियांदे सन, कदी छाल मारदे हन, कदी फिर चढ़ जांदे हन। बच्चे दौड़दे हन ते किलकारियां मार के प्रसन्न हुंदे हन। मंगते जो भी मंगदे हन किरपालू गुरु जी सुन के ओह वस्तु दिवाउंदे हन। खेडदिआं इक पहर बीत गया, महान सुंदर शोभ रहे हन। फिर माता गुजरी जी ने एक दास नूं भेजिआ, जाके कहो घर बुलाउंदे हन। उसने हथ जोड़ के बेनती कीती, प्रभु जी माता जी बड़े उतावले होए हन, मामा जी लाड़ लड़ाउंदे चलदे हन ते बचना दी पालना करदे हन जिवें भी गुरु जी कह के सुणाउंदे हन। सुखां दे घर भाव गुरु जी फिर घर दे अंदर प्रवेश कर गए, जिन्हां दा नाम जपण नाल मनुख मुक्ति प्राप्त करदा है। एक बिरध इस्त्री दा घर गवांढ विच ही सी। उस नूं उस दे घर विच जा के खिजाउंदे सन। अख बचा के उसका पूणियां ते छलियां रखण वाला छिकू चुक लैंदे सन ते पूणियां छलियां पास रख लैंदे सन। ये वेख के बुढ़ी माई बहुत गुस्से विच आ जांदी सी ते सोटी हथ विच फड़ के पिछा करदी सी। जद बुढ़ी माई पास आउंदी सी तां भज जांदे सन जिवें ओह मिल के छू ना सके। दूर नहीं सी जांदे, नेड़े ही रहिंदे सन। बुढ़ी माई ये जाणदी मैं फड़ लवांगी, फिर भज जांदे सन। झांजरां तड़ागी सोने दे कंगन
अते गहने सब छणक छणक के संगीत पैदा करते सन। इधर उधर भजे फिरते सन, कदी अगे वध जांदे सी, कदे पिछे हट जांदे सी, अते टेढ़े मेढ़े हो के ना फड़ाई देने वाली चाल धारण करते सन। बुढ़ी माई फिर कहती, कित्थे जाओगे, तुहानू फड़ के तुहाडी माता जी नूं फड़ा देंगी, अपने हाथ वाली सोटी दे के चंगी तरह कुटवावांगी ते उहनां नूं सारी गल दसांगी। हे गोविंद सुनो, हुण हट जाओ, मैनू थका के व्याकुल कर दिता है, पूणियां वाले छिकू नूं रख दिओ, नहीं तां मैं तुहाडे घर जा के कह देंगी। उस बुढ़ी माई नूं खिजाउंदे सी ते भजा के थका दिंदे सन, फिर सूत ते पूणियां नूं खिलार दिंदे सन। माई जद पूणियां नूं चुणन लगदी सी तां जिथे बालक सुंदर खेडां खेड रहे हुंदे सी उहनां नूं उत्थे जा मिलदे सन। छिकू अते सूत जिवें विगड़दा सी उस तरह ही उह माई हथ धर के क्रोध नाल आतुर हो जाती सी। माता गुजरी जी के पास जा के विखाउंदी ते दूणी गल बना के सुणाउंदी सी, अपने पुत्र की करतूत वेख लो, मेरे घर विच उद्दम मचाया है, ना बैठन दिंदा है, ना कत्तण दिंदा है, वेखण तो बगैर ही सूत ते पूणियां चुक लैंदा है, दूर सुट दिंदा है ते खिलार दिंदा है, ते छलियां पूणियां खिलार के भज जांदा है। हाथ नहीं आउंदा है, मैनू भरमाउंदा है, मैं थक के पुकार कीती है। माता गुजरी जी ने अपने सपुत्र की वार्ता सुनी, जिन्हां विच चंचलता बहुत ज़्यादा है, शाम सवेरे बुढ़ी माई नूं अकाउंदा है ते ओह माई असमर्थ होण करके बड़ी व्याकुल होई है। माता गुजरी जी ने कृपा धार के उस नूं कुछ धन दिता ते शरीर दे सारे कपड़े बना दिते ते कहण लगे, हे माता जी, मेरा पुत्र जे कोई अपराध करे तां मन विच गुस्सा ना लियाणा। माई कहण लगी, मैं तां कदी गुस्सा नहीं करदी, मेरे घर रोज़ खेडण जांदा है, होर बालकां नूं नाल लै के मेरे घर आउंदे हन ते अपने हत्थां नाल चीज़ां फड़ा के दूर सिट दिंदे हन, जद पास जांदी हाँ भज जांदे हन, जद चुप रहिंदी हाँ तां बहुत प्रकार खिजाउंदे हन, अंदर तों बाहर भज जांदे हन ते बाहर तों फिर अंदर आउंदे हन, अखां नाल वेख के मन हरा हो जांदा है, तुहाडा पुत्तर लखां वरियां तक जिउंदा रहे, जद दे इस थां आ के वसे हो मैनूं बहुत सुख मिलिया है, मानो सुमेर पर्बत दी ओट मिली है, वस्त्र भोजन पाउंदी हाँ ते मैं प्रसन्न हो के विशाल असीसां दिंदी हाँ, मेरे दिल नूं बहुत प्यारा लगदा है, शेषनाग जिवें मणि नूं वेख के प्रसन्न हुंदा है, उस तरह मैं दर्शन करके प्रसन्न हुंदी हाँ। इस तरह माता गुजरी जी नूं प्रसन्न कीता ते ओह माई अपने घर नूं चली गई। दरवाजे विच आउंदिआं गुरु जी नाल मेल हो गया ते फिर उहनां नूं डराउण लगी, तेरे माता जी पास मैं सारी गल दसी है, जिमें तू डर छड धूम मचाई है, हुण तू घर जा, तेनू सोटियां दी मार मारनगे, फिर कदे इस तरह ना करी। बुढ़ी इस्त्री नूं वेख के गुरु जी भज के दूर हो गए ते अपने घर दे अंदर दाखल हो गए। माता जी ने उसे वेले प्रसन्न हो के गोदी विच चुक लिया ते शरीर नूं लगी धूड़ शोभ रही सी, फिर अपनी चुन्नी लै के पुंझण लगे जिन्हां दे वड्डे भाग होए सन। सुखदाते सपुत्र नूं वेख के वड्डा सनेह एक रस होया। खा पी के सतगुरु जी सुंदर पलंग ते सौ गए, सारी रात बतीत होण ते उठ पए। जद रात खत्म हो गई, शौच इशनान पहलां वांग कीता, फिर अमीर घरां दे बालक गुरु जी नाल खेडण वास्ते आ गए, जां मन पौंदा भोजन करके आपस विच मिल के शुभ खेडां खेडदे सन। साह संगत जी, गुरु जी द्वारा बुढ़ी माई नूं उकसाउणा एक चोज सी। गुरु जी का असल मकसद उस बुढ़ी माई की गरीबी नूं दूर करन दा सी, जिहड़ा कि एक बहाने नाल माता गुजरी जी पूरी कर दिया करदे सन। जिस भी किसी गरीब नूं गुरु जी तंग करदे सन, उह शिकायत लगाउण वास्ते माता जी कोल आउंदा सी ते गुरु जी दे बहाने माता जी उस गरीब की दलिद्रता ते गरीबी दूर कर दिंदे सन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।